के पास कम से कम आज पहुंचना चाहिए, क्योंकि मंडे तक उन्होंने पार्लियामेंट्री जो उनके पार्लियामेंट मेंबर थे, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दायर करने हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो ऑब्जेक्शन दायर हो। ये शुरुआत है, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमारे साथ जिस किस्म का यह खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ पूरे इलाके को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और जिस तरह जमींदार लोग, जो पंजाब के लोग थे, किसान लोग, वो जिस तरह सड़कों पर टेंट लगा कर बैठे, शायद हमको भी उसी तरह बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक जो फरमान जारी किया जा रहा है दिल्ली से, वो हम उसको मंजूर अगर इसी तरह करते रहेंगे तो ये दूसरा कोई और फरमान जारी करेंगे। पुंछ का हिस्सा आधा काट के आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दे दिया, और ये हदबंदी कमीशन ने दूसरी बार तकसीम की है। रजौरी पुंछ के कुछ हिस्से को काट कर जम्मू के साथ लगाया, और हमें जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ लगाया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं आज, अगर हमारा एमपी कोई अनंतनाग से बनता है तो हमारी जो मुगल रोड है वो 8 महीने बंद रहती है। इस साल 8 महीनों के बाद सिर्फ 4 महीने के लिए मुगल रोड खुली है। अगर किसी आदमी को एमपी के पास पहुंचना है, उसको पहले यहां से जम्मू जाना है, जम्मू से फिर जाकर अनंतनाग, कहां पहलगाम है। अगर हमारा एमपी पहलगाम में बैठा है तो हम 450 किलोमीटर चलकर हमें उसके पास जाना पड़ेगा, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है।